नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, 90% आदमियों को व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि बेल वृक्ष पर दूध डालने के क्या फायदे होते हैं। सावन के महीने में अधिकतर लोग भगवान शंकर को दूध का अभिषेक करते हैं, लेकिन उन लोगों को भगवान शंकर की प्रिय वनस्पति बेल के बारे में पता नहीं होता। दोस्तों, बेल वृक्ष के अनेकों फायदे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि बेल माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुई थी। स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। इसलिए सावन के महीने में बेल वृक्ष को भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में बेल और आग के फूलों को यदि एक साथ भगवान शंकर को चढ़ाया जाए तो आपको अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल भगवान शंकर का अति प्रिय है। महर्षि व्यास के पुत्र सूत जी ने ऋषि मुनियों से कहा था कि समस्त नदियों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल बेल वृक्ष की पेड़ के नीचे स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सावन के महीने में किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को बेल वृक्ष के नीचे भोजन कराता है, ऐसे भक्तों पर भगवान शंकर की अति कृपा होती है। भगवान शंकर की साक्षात कृपा उन पर बरसती है और भगवान भोले उन पर अपार कृपा बरसाते हैं और उन व्यक्तियों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। तुरंत ही भगवान शंकर की उन पर कृपा बरसने लग जाती है। शाम के वक्त बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर उनकी पूजा करें और 7 बार बेल वृक्ष की परिक्रमा करें तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्म के पाप धुल जाते हैं और अंत वह शिव में विलीन हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेल वृक्ष की जड़ में भगवान ब्रह्मा का निवास है और इसके मध्य में भगवान विष्णु का निवास होता है और वृक्ष के शिखर पर भगवान शंकर स्वयं विराजते हैं। तो आइए जानते हैं बेल वृक्ष की जड़ में दूध डालने के और फायदे। उससे पहले वीडियो को आज यदि आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपके पास इसी प्रकार से अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। वैसे तो बेल वृक्ष के अनेकों फायदे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फायदे बता रहे हैं जो आपने सुने नहीं होंगे। ऐसा माना जाता है कि बेल वृक्ष की जड़ में दूध डालने से माता पार्वती अति प्रसन्न होती है और कहा जाता है कि जो फल आपको शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से नहीं प्राप्त होता वह फल बेल वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। ऐसा करने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति पर भगवान शंकर की अति कृपा होती है और उनकी समस्त मनोकामना वे पूर्ण कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान शंकर के विशेष होते हैं। ऐसे व्यक्ति पर कभी भी किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और ऐसे व्यक्ति का घर धन धान्य से भरा रहता है। तो ये थे बेल पर दूध डालने के कुछ फायदे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।